नमस्कार स्टूडेंट्स, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष संसदीय शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए बिल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कार्यवाही के बारे में देखे थे, प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग देखे थे कि किस तरीके से प्रोसीजर पार्लियामेंट की चली है ना, प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट हम लोग देखे थे। तो आप जो हम लोग देखने वाले हैं जो है वह है बिल के बारे में हम देखने वाले हैं कि संसद की जो है सो विधेयक क्या होते हैं, कैसे पेश किए जाते हैं, कौन कौन से विधेयक होते हैं, उनमें डिफरेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है हम लोगों का, ठीक। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें संसदीय विधेयक के बारे में बात करें, अगर विधेयक के बारे में बात करें बच्चा, तो विधेयक जो होता है, पहला विधेयक जो होता है वह उसको आप समझेंगे अगर, तो विधेयक पहले इसकी बहुमत की बात करते हैं ना। विधेयक जो होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, फोर टाइप ऑफ बिल्स होते हैं, मतलब जनरली मोस्टली फोर टाइप ऑफ बिल्स है ना, चार प्रकार होते हैं विधेयक के। पहला जो होता है बच्चा वह है सामान्य विधेयक, सामान्य विधेयक। दूसरा जो होता है वह है सामान्य विधेयक के बाद आता है आपका जो दूसरा वह है धन विधेयक। तीसरा जो होता है बच्चा आपका थर्ड पॉइंट जो होता है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका जो है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। और जो चौथा होता है बच्चा आपका संविधान संशोधन संबंधी, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, संबंधी विधेयक, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होगा आपका। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो होते हैं बच्चे आपकी, आप जब देखोगे संविधान संशोधन संबंधी विधेयक, ये चार टाइप के विधेयक आप देख रहे हो यहाँ पर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जो चार प्रकार के जो विधेयक हैं, इसमें आप महत्वपूर्ण रूप से ये देखोगे कि यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तरीके से समझना होगा कि सामान्य विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक क्या है। अब देखो विधेयक चार प्रकार के देख लीजिए। संसद में विधेयक बच्चा जो होते हैं वे तीन प्रकार के बहुमतों से पास होते हैं, तीन प्रकार के बहुमत से पास होते हैं। जो पहला होता है वह है सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत। दूसरा क्या है बच्चा? असामान्य बहुमत मान लो, और तीसरा जो होता है आपका विशेष बहुमत, जनरल मेजोरिटी, नॉन जनरल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। बच्चा क्या होता है पहला? जनरल मेजोरिटी, नॉन जनरल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, सामान्य बहुमत, असामान्य बहुमत और विशेष बहुमत होते हैं। तो सामान्य बहुमत क्या होता है, अगर हम इसकी चर्चा करें कि सामान्य बहुमत क्या बच्चा, तो सामान्य बहुमत क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, आप कॉपी में लिख के चल रहा। सामान्य बहुमत जो होता है टोटल मेंबरशिप का, टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस वन, टोटल मेंबरशिप का कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस वन, 50% प्लस वन सामान्य विधेयक। असामान्य विधेयक क्या होता है बच्चा? असामान्य बहुमत क्या होता है? तो असामान्य, ये सामान्य बहुमत हो गया 50% प्लस वन। असामान्य बहुमत जो होता है, असामान्य बहुमत आप देखोगे नॉन जनरल मेजोरिटी, तो प्रेजेंट मेंबर का 2/3 मेजोरिटी, उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, उपस्थित का, ध्यान देना यह 2/3 में किसका बोल रहा हूं, तो 2/3 बहुमत या उपस्थित का है। यह 50% प्लस वन क्या था, यह कुल सदस्य संख्या के थे, यह उपस्थित सदस्य संख्या के हैं। और विशेष बहुमत क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी जो है टोटल मेंबरशिप 50% प्लस वन ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट मेंबरशिप, मतलब कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस वन तथा उपस्थित सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहे जाते हैं।
ये तीन प्रकार के बहुमत हो गए। सामान्य बहुमत से सामान्य विधेयक पास होगा, सामान्य बहुमत से सामान्य विधेयक पास होता है, और सामान्य बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट लगाया जाता है। विशेष बहुमत से धन विधेयक पास होगा विशेष बहुमत से, और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक भी विशेष बहुमत से पास होगा। वित्त विधेयक कैसे पास होगा, तो ये दोनों पास होंगे बच्चे, चलो इसको मिटा देता हूँ तो टिक लगा देता हूँ, ये सामान्य विधेयक और धन विधेयक ये दोनों पास होंगे तुम्हारा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, समझ रहे 50% + 1 तथा दो तिहाई, कैसे 50% + 1 तथा दो तिहाई बहुमत से पास होंगे ये दोनों सामान्य विधेयक, सॉरी हाँ ये धन विधेयक, मनी बिल और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक। ये जो मनी बिल है आपका बच्चा, मनी बिल, धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पास होंगे विशेष बहुमत से, जबकि सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक जो है यह पास कैसे होगा बच्चा, ये दोनों तो सामान्य बहुमत से पास होंगे, और असामान्य बहुमत से जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इतना तो लिख लोगे ना अपने कॉपी में, आप हैं लिख भी लिए होगे मैं ऐसा करता हूं। तो बच्चा अब आप यहां पर देख रहे हो कि ये बहुमत देख लिए, अब देखो विधेयक किनके द्वारा पेश होता है, मैं इसकी बात करने वाला हूं, कौन सा विधेयक किसके द्वारा पेश होता है। संसद में देखो बच्चा विधेयक दो लोगों के द्वारा पेश होता है, संसद में विधेयक पेश कितने लोग करते हैं, तो संसद में विधेयक जो है दो लोग पेश करते हैं, दो लोग विधेयक संसद में दो लोग विधेयक पेश करते हैं, पेश करते हैं, पहला जो होता है वह सरकारी सदस्य, दूसरे क्या होते हैं गैर सरकारी सदस्य। तो सरकारी सदस्य किसे कहते हैं बच्चा, सरकारी सदस्य किसे कहा जाएगा अगर पूछा जाएगा, तो सरकारी सदस्य जब भी आपसे पूछा जाए तो सरकारी सदस्य का आप आंसर दोगे कि सरकारी सदस्य किसे कहते हैं, तो सरकारी सदस्य का आंसर आप ध्यान रखना कि जो सदस्य मतलब मंत्रियों को अगर कोई ऐसा व्यक्ति है मंत्री अगर किसी से जन आपके मंत्री अगर किसी विधेयक को पेश करते हैं तो वह जो बिल होगा उस मेंबर को सरकारी सदस्य कहेंगे, और उस विधेयक को बोलेंगे गवर्नमेंट मेंबर बिल। क्या बोलेंगे बच्चा, गवर्नमेंट मेंबर बिल। अगर मंत्री किसी विधेयक को पेश करता है तो उस मंत्री को बोलेंगे गवर्नमेंट मेंबर बिल, क्या बोलेंगे सॉरी वो अगर कोई व्यक्ति कोई मंत्री यदि विधेयक को पेश करता है तो उस मंत्री को हम कहेंगे गवर्नमेंट मेंबर, और जिस विधेयक को वह पेश कर रहा है उसे कहेंगे गवर्नमेंट मेंबर बिल। तो सरकारी सदस्य अगर विधेयक को पेश करेगा तो गवर्नमेंट मेंबर बिल कहा जाएगा, गैर सरकारी सदस्य अगर पेश करेगा तो गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा, समझना। तो सरकारी सदस्य के द्वारा सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक कहा जाता है, गैर सरकारी विधेयक पेश करेगा, गैर सरकारी सदस्य अगर विधेयक को पेश करेगा तो गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा, समझ आ गया, इस बात को अंतर याद रखना। तो देखो जो सामान्य विधेयक होता है बच्चा, ये दोनों में से किसी के द्वारा पेश हो जाएगा, सरकारी सदस्य भी पेश कर सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकते हैं, सामान्य विधेयक को, ऑर्डिनरी बिल को, मनी बिल को सरकारी सदस्य के द्वारा ही पेश होता है। ये पेश होता है धन विधेयक की भांति, लेकिन पास होता है सामान्य बहुमत से, सामान्य विधेयक की भांति। वित्त विधेयक पेश होगा धन विधेयक की भांति, प्रेजेंट किया जाएगा सदन में किसकी भांति, धन विधेयक की भांति, लेकिन पास कैसे होगा, यह सामान्य विधेयक की भांति पास होगा। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है सो, संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है सो, यह जो है यह ऐसा विधेयक है जो विशेष बहुमत से पास होगा, कैसे पास होगा, विशेष बहुमत से पास होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं इस विधेयक के अंतर के बारे में, तो बहुत बड़ा अंतर है बच्चा, देखना अंतर यहाँ पर याद करना है आप लोग, ठीक है ना। डिफरेंस जो है मनी बिल और पहले डिफरेंस देखो कि मनी बिल और वित्त विधेयक में डिफरेंस क्या है। तो धन विधेयक में तो मैं बता चुका हूँ कि धन विधेयक के मामले क्या होते हैं, ऐसे विधेयक जिनमें कि नए करों को आरोपित करना, किसी करों को लगाना, क्या होता है किसी करों को लगाना, किसी करों को घटाना, है ना, किसी करों को लगाना, किसी करों को घटाना, है ना, संचित निधि से पैसा निकालना, पैसा जमा करना, ठीक न, संचित निधि किसी का संचित निधि पर भारित व्यय के मामले अगर हैं तो ये सब मामले किस में आते हैं, ये सब मामले भी जो है सो आपकी धन विधेयक में आते हैं।
वित्त विधेयक जो होता है, धन विधेयक जो है सो वित्त विधेयक का ही एक भाग है। धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है, फाइनेंस बिल का ही एक पार्ट माना जाता है ना। सिंपल सी बात समझे, जैसे है तो ये पूरा बोलेंगे इसे हम लोग वित्त विधेयक, वित्त विधेयक हो गया है। लेकिन इसी का एक छोटा सा भाग भाग हो गया, इसे बोलेंगे धन विधेयक। धन विधेयक मतलब ऑल मनी बिल इज ए फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल, इस बात को याद रखना। समझ में आ गया? आर्टिकल जानते ही हो, इसका जिक्र 110 में, वित्त विधेयक का जिक्र अनुच्छेद 117 एक और तीन में किया गया है। दोनों में अंतर समझ गए। अब हम यहाँ से बात करते हैं सामान्य विधेयक और धन विधेयक में डिफरेंट क्या है, तो बहुत ज़्यादा अंतर बताने वाला वहाँ पर मैं नोट करके चैनल लिखूंगा नहीं, इसे मैं कल बोलूँगा। सामान्य विधेयक और धन विधेयक में डिफरेंट क्या है? सामान्य विधेयक जो होता है वह सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों में से किसी के द्वारा प्रेजेंट हो सकता है सदन में, लेकिन मनी बिल धन विधेयक केवल सरकारी सदस्यों के द्वारा ही पेश किया जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, सामान्य विधेयक जो होता है, ऑर्डिनरी बिल जो होता है, दोनों सदनों में से, बोथ हाउस में से किसी हाउस में पहले प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा। मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा, राज्यसभा में पहले नहीं जाता, जबकि सामान्य विधेयक लोकसभा में भी पहले जा सकता है या राज्यसभा में पहले चला कहीं भी जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सीधे पहले कहाँ जाएगा? पहले लोकसभा में ही जाएगा। ये भी है, जो सामान्य विधेयक होता है उसे सदन में प्रेजेंट करने से पहले राष्ट्रपति का एडवाइस लेना आवश्यक नहीं होता, लेकिन धन विधेयक यदि सदन में पेश किया जाएगा तो पेश करने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रपति के पुनर्विचार राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। समझा गया? एक भी अंतर हो गया। अगला अंतर आपने देखा कि सामान्य विधेयक जो है वे सामान्य बहुमत से पास होते हैं, धन विधेयक विशेष बहुमत से पास होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से पास होते हैं, मनी बिल ऑर्डिनरी बिल आपके जनरल बिल से पास हो जाते हैं। अगला अंतर यह है, एक अंतर याद कर लीजिएगा कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं इसका डिसाइड कौन करता है? कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं इसका डिसाइड कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बच्चा कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें डिसाइड की आवश्यकता होती है, सामान्य में नहीं होता। अगला अंतर है कि जब लोकसभा में पास होने के बाद सामान्य विधेयक जनरल बिल लोकसभा ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसे 6 महीने तक रोक रख सकता है, 6 मंथ तक रोक रख सकता है, 6 महीने तक। सामान्य विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक रोक रख सकता है और उसमें वह संशोधन भी कर सकता है, सिफारिश भी कर सकता है सामान्य विधेयक में। लेकिन यदि धन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद, मनी बिल लोकसभा में पास होने के बाद यदि राज्यसभा में गया तो राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक रख सकता है, 14 दिन से अधिक समय तक रोक कर नहीं रख सकता। और वह भी 14 दिन के अंदर में यदि वह पास नहीं करता है तो अपने आप पारित मान लिया जाएगा, जैसे लोकसभा पारित किया है वही पारित मान लिया जाएगा। या यदि राज्यसभा उसने कोई अपना एडवाइस दे दिया, राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकता धन विधेयक में, केवल सिफारिश व्यक्त कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, जबकि राज्यसभा सामान्य विधेयक में दोनों कर सकता है, संशोधन भी कर सकता है, सलाह भी दे सकता है, सिफारिश भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक में सिर्फ सिफारिश देगा, संशोधन नहीं कर सकता राज्यसभा। और उस सिफारिश को भी लोकसभा मानेगा कि नहीं मानेगा यह लोकसभा की स्वविवेक पर निर्भर करता है। समझ गए? अगला अंतर यह भी है कि सामान्य विधेयक दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लेकिन धन विधेयक दोनों सदनों में पास होना जरूरी नहीं, लोकसभा में पास होने के बाद सीधे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। ये भी अंतर हो गया। अगला अंतर है सामान्य विधेयक ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति 111 जो राष्ट्रपति पर विधेयक की अनुमति का जिक्र किया गया अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति पर विधेयक की अनुमति का जिक्र किया गया। तो मतलब जब सामान्य विधेयक जाएगा राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, नहीं भी भेज सकता है, या तो विधेयक को अपने पास रख लेगा या तो तुरंत हस्ताक्षर कर सकता है या विधेयक को भेज सकता है, 2-3 ऑप्शन है उसके पास, तो भेज भी सकता है सदन में, रिटर्न कर सकता है पुनर्विचार के लिए। लेकिन धन विधेयक को एक बार भी वापस नहीं कर सकता, पहले बार में ही उसे पास करना अनिवार्य होता है, पहले बार में ही पास करना पड़ेगा। समझ गए? अगली बात यह है सामान्य विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग, ऑर्डिनरी बिल पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाए जा सकते हैं।
सामान्य विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, लेकिन आपका जो धन विधेयक है, मनी बिल है, उसके ऊपर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नहीं बुलाया जा सकता, समझ गए, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको बताया कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में डिफरेंट क्या होते हैं बच्चे, और ज़्यादा अंतर बताया, इसे आप याद रखिएगा। जो आपका जो ये वित्त विधेयक है ना, ये पेश होगा धन विधेयक की भांति, लेकिन पास होगा सामान्य विधेयक की भांति, इसे भी याद रखना। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है, यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक समान शक्ति प्राप्त है। अगर बाकी तीनों को मिला लो तो इसमें लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है बच्चा, और इसलिए भी ज़्यादा शक्तिशाली उसे बनाया गया लोकसभा को, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता का शासन है, और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जिसमें जाते हैं उनके पास शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हम लोग नहीं चुनते, हमारे प्रतिनिधि लोग चुनकर भेजे हैं, तो जो प्रत्यक्ष चुनकर के जाएंगे उनके पास ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए लोकतंत्र में, इसलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है, इसलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्ति दिया गया कानून बनाने की, इस कानून बनाने वाली प्रक्रिया। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक समान शक्ति प्राप्त है, इक्वल पावर प्रोवाइड किया गया है। अगर इस संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को जो लोकसभा में पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा 6 महीने तक रोकर से रख सकता है, और यदि राज्यसभा में भी पास हो जाए, राज्यसभा में यदि पास हो जाए तो कभी कभी संशोधन करने के लिए कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जहाँ पर संशोधन करने के लिए आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है, कठोरता का लक्षण कहा जाता है भारतीय संविधान में। यह भारतीय संविधान में असल रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स माने जाते हैं, कि कभी कभी आधे राज्य से जीएसटी था, जीएसटी का संशोधन बिल था, वह जब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो आधे राज्यों के विधानसभाओं की सहमति आवश्यकता थी। आपको याद पड़ जाएगा पहला राज्य जो जीएसटी को पास करने वाला था वो आसाम था, समझ गए, ये भी अब आप समझ गए होंगे। तो बच्चे ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं, ये आपके हो गए बिल और बिल में डिफरेंट आपने आज देखा। तो बच्चा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, समझ गए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग वॉच नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देखकर छोड़ दे रहे हैं। तो बच्चा देखकर छोड़ने से काम नहीं होता, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, समझ गए, हम आपको आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, रात दिन करके वीडियो को शूट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा समझो इस बात को कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, आपका आंसर देने के लिए हम तैयार हैं। इस जीएस क्लास में हमारे साथ चलो, और फिर देखो कि आपको, आप अगर बिगिनिंग स्टूडेंट हो, जीएस में कुछ नहीं जानते, या साइंस स्ट्रीम से आए हो, अगर हमारे साथ चलो, हमारे साथ जुड़ करके चलो, तो अश्विनी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपके पास एक जीएस का बहुत बड़ा कलेक्शन लेकर मैं भेजूंगा आपको, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को, बाद में और क्लास भी चलाऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दूँगा, लेकिन यहाँ तक आप जो है और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें, लिखें, है ना। आपको पढ़ने के लिए भी, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो तो बस शेयर कर दो आपने, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ो, देखो, सुनो, समझो, जांचो। अब वीडियो अच्छा लगे अगर तब सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करो, समझना गया, इस बात को ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, आज के सेशन को समाप्त करते हैं, नमस्कार।